Opportunity card or German Chancenkarte is the most recent visa launched by Germany. And there are various facts that I bet you don't know and can be super helpful if you are planning to come to Germany via Opportunity card. Hello everybody, welcome or welcome back to my channel. I'm Shramina Das. I make videos about higher education abroad and jobs abroad. In today's video, I'm going to talk about what is Opportunity card, eligibility criteria, 5 rare facts that hardly nobody knows about Opportunity card, as well as is it worth it to come to Germany via Opportunity card or not in 2024 or 25. So without any further ado, let's start the video. सबसे पहले तो what is Opportunity card? Opportunity card just like job seeker visa है, but the difference is job seeker visa में आप सिर्फ 6 महीने के लिए आ पाते थे Germany में, whereas in Opportunity card आप 12 महीने के लिए आ सकते हो. जॉब सीकर वीजा में आप सिर्फ तभी आ सकते थे अगर आपकी डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में, प्लस अगर आप कोई स्किल लेबर या शॉर्टेज ऑफ लेबर कैटेगरी से बिलोंग करते हो. वेयर इज इन अपॉर्चुनिटी कार्ड यू कैन कम टू जर्मनी इवन इफ यू डू नॉट हैव अ फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड डिग्री इन जर्मनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड. सो यहाँ पे बेसिकली अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए 2 बेसिक एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट होती है. द फर्स्ट ऑप्शन इज अगर आपकी बैचलर्स डिग्री फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड है जर्मनी में, तब आप डायरेक्टली एलिजिबल हो फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड. यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट पॉइंट बेस्ड सिस्टम फॉर दैट. आप चेक कर सकते हो वेदर योर डिग्री इज रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी और नॉट वाया दिस एनबिन डेटाबेस. नाउ ऑप्शन 2, सपोज अगर आपकी यूनिवर्सिटी या आपकी डिग्री इज नॉट फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी और पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड इन जर्मनी, then you are eligible for the point based system of the opportunity card. You have to score minimum 6 points along with meeting the following basic requirements. So basically agar aapki degree partially recognized hai to aapko 6 points to score karna hi padega. साथ में ये जो 2 बेसिक रिक्वायरमेंट्स है ये आपको फुलफिल करनी पड़ेगी. तो वो क्या है हम देखते हैं. फर्स्ट, यू हैव सक्सेसफुली कम्प्लीटेड वोकेशनल और एकेडमिक ट्रेनिंग. सेकेंड, प्रूफ ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. सो आइदर आपको जर्मन लैंग्वेज A1 आना चाहिए. इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं से भी जर्मन लैंग्वेज कर रहे हो, आपको गोथे या टेल्क कोई भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से करना चाहिए. आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट कॉमन यूरोपियन CEFR की वेबसाइट की रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि कौन सी इंस्टीट्यूशन से आपको जर्मन A1 करना पड़ेगा. और आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी B2 तक होनी चाहिए. तो उसके लिए आप IELTS, TOEFL ये सारी चीजें दे सकते हो. नाउ लेट्स सी हाउ डज द पॉइंट सिस्टम वर्क्स. मैं फिर से बोल रही हूँ कि ये जो ऑप्शन 2 है ये तभी एलिजिबल है अगर आप ऑप्शन 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो. बेसिकली अगर आपके पास ऐसी कोई रिकॉग्नाइज डिग्री नहीं है तो ही आपको जर्मन या इंग्लिश करनी पड़ेगी एंड साथ में आपको ये पॉइंट स्कोर करना पड़ेगा. तो अब देखते हैं कि ये क्या क्या पॉइंट्स आपको कैसे कैसे ये पॉइंट्स मिलेंगे. अगर आपकी डिग्री पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड है तो आपको 4 पॉइंट्स मिलेंगे. तो वो आप ZAB की वेबसाइट में जाके यू कैन चेक. सेकंड, अगर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑक्यूपेशन की कैटेगरी में आती है तो भी आपको 1 पॉइंट मिलेगा. प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपको आपकी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे. 2 पॉइंट्स इफ यू हैव एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन द डोमेन यू हैव डन योर बैचलर्स डिग्री विद इन द लास्ट 5 इयर्स. और अगर आपको एटलीस्ट 5 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इन द लास्ट 7 इयर्स, तब आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे. लैंग्वेज स्किल्स, अगर आप A1 से ज्यादा क्वालिफाइड हो, सपोज अगर आपने A2 करा हुआ है तो आपको 1 पॉइंट मिलेंगे. अगर आपने B1 करा हुआ है तो आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे एंड 3 पॉइंट्स फॉर B2 और अबव. एंड एक एडिशनल पॉइंट दैट इज 1 पॉइंट विल बी अवॉर्डेड अगर आपकी इंग्लिश लेवल प्रोफिशिएंसी C1 से ऊपर है और इफ यू आर ए नेटिव स्पीकर. आपको एज के लिए भी कुछ पॉइंट्स मिलेंगे. People who are not older than 35 years of age will get 2 points and the people who are aged between 35 to 40 will be awarded 1 point. So, aap jitna jaldi apply karoge opportunity card utna hi aapke liye helpful hoga. You will also get points for your previous stays in Germany. That does not mean ki agar aap Germany mein ghumne aa rahe ho uske liye aapko points milega.
बट सपोज अगर आप जर्मनी में पहले कभी एज ए स्टूडेंट या जॉब करने आए हो तो आपको उसके लिए 1 point मिलेगा. बट कैसे मिलेगा, अगर आप लास्ट 5 years में एटलीस्ट 6 months के लिए अगर आप जर्मनी में रहे हो तो ये 1 point आपको मिल सकता है. एंड इफ यू आर मैरिड और इन ए पार्टनरशिप, एंड अगर आप और आपके पार्टनर दोनों आर एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड तो भी आपको 1 point मिलेगा. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट, दिस इज द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड जर्मन वेबसाइट जहां पे आपको एक्चुअली आप चेक कर सकते हो वेदर यू आर एलिजिबल फॉर अपॉर्चुनिटी कार्ड और नॉट. मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज गो एंड सेल्फ चेक योरसेल्फ वेदर यू आर एलिजिबल फॉर द अपॉर्चुनिटी कार्ड और नॉट. नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, कुछ दिन पहले ही मैंने एक लड़के से बात की जिसको अपॉर्चुनिटी कार्ड मिला हुआ है, तो मैंने कुछ फैक्ट्स के बारे में मुझे पता चला जो मैं आज इस वीडियो में बताना चाहूंगी जो जनरली लोगों को पता नहीं रहता है. फर्स्ट, अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड की इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो जनरली एम्बेसी वाले आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट में काफी फोकस करेंगे, वो है कि आपकी डिग्री रेगुलर है कि आपकी डिग्री इरेगुलर है. सो बेसिकली अगर आप देखोगे कि इंडिया में बहुत लोग ओपन यूनिवर्सिटी से या ऑनलाइन भी अपना बैचलर्स मास्टर्स करते हैं विच विल डिले द प्रोसेस ऑफ अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो आपकी डिग्री प्रॉपरली रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, एक रेगुलर डिग्री होनी चाहिए, ना कि कोई ऑनलाइन या एग्जीक्यूटिव MBA काइंड ऑफ थिंग होगी तो नहीं चलेगी. सेकेंड, आप अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए आपको ब्लॉक्ड अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी. यस गाइज, अगर आपके पास 11,208 यूरो अमाउंट अगर आप आपके बैंक में भी दिखाओगे तो भी चलेगा, बट ये नहीं कि जिस दिन अपॉइंटमेंट है उस दिन के एक दिन या दो दिन पहले आप वो पैसा ट्रांसफर कर रहे हो. नो, एटलीस्ट दैट मनी शुड बी इन योर बैंक फॉर द लास्ट 6 months, तो वो भी चलेगा. थर्ड, लेटर ऑफ मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर योर अपॉर्चुनिटी कार्ड. अगर आप VFS का चेकलिस्ट देखोगे वहां पे लिखा हुआ है कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट चाहिए और उसमें क्या क्या लिखना है, तो वो आप अच्छे से लिखिएगा बिकॉज दैट इज समथिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच द एम्बेसी कैन रिजेक्ट योर अपॉर्चुनिटी कार्ड. फोर्थ, एम्बेसी वाले आपको काफी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप जर्मनी क्यों जाना चाहते हो, आपने क्या पढ़ाई की है, आप वहां जाके क्या जॉब्स कर रहे हो, करना चाहते हो, तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आप टू द पॉइंट रेडी रहना बिकॉज दिस आर द क्वेश्चंस दैट विल डेफिनेटली कम व्हाइल यू आर गोइंग फॉर द वीजा इंटरव्यू ऑफ योर अपॉर्चुनिटी कार्ड. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज, अगर आप होटल बुकिंग्स कर रहे हो अपनी एकोमोडेशन दिखाने के लिए, तो इट विल बी गुड इफ यू डू मल्टीपल बुकिंग्स इन मल्टीपल बिगर सिटीज इन जर्मनी बिकॉज दैट शोज के आप ज्यादा इंटरेस्टेड हो एंड प्रोएक्टिव हो टू लुक फॉर जॉब्स. सो दिस आर सम ऑफ द रेयर फैक्ट्स दैट आई ऑल्सो डिड नॉट नो एंड गॉट टू नो फ्रॉम द पर्सन हु गॉट द अपॉर्चुनिटी कार्ड. कमेंट बिलो अगर आप पूरा वीजा इंटरव्यू इन डिटेल जानना चाहते हो कि कैसी होती है अपॉर्चुनिटी कार्ड की इंटरव्यू एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करनी है, सो प्लीज डू कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द सेम. नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि वेदर इट इज वर्थ टू कम टू जर्मनी इन अपॉर्चुनिटी कार्ड और नॉट. तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक अगर आप जर्मनी आना चाहते हो एकदम फोकस्ड हो कि मुझे आना ही है, एंड व्हाट आर द रीजंस यू वांट टू कम टू जर्मनी, इज इट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इज इट सम अदर रीजन, देन प्लीज डू कम. मैं ये नहीं बोलूंगी कि जर्मनी का जॉब मार्केट इज सुपर्ब नाउ, नो, बट ऐसा भी नहीं कि जॉब्स नहीं है, जॉब्स है. और अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड में आ रहे हो तो आप 12 महीने के लिए यहाँ पे रह सकते हो, एंड जब आप उस लोकेशन में हो तो ऑब्वियसली देयर इज अ प्लस, देयर इज अ अपर हैंड ऑफ योर्स कि आपको ज्यादा जल्दी जॉब मिल जाएगी. एंड जो सेकेंड एडवांटेज है अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड में आते हो वो ये है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी कार्ड में आके आप कोई भी जॉब कर सकते हो अंटिल यू गेट अ फुल टाइम जॉब एंड कन्वर्ट योर अपॉर्चुनिटी कार्ड टू ब्लू कार्ड और वर्क परमिट, तो वो भी एक प्लस है कि आपको एकदम अपनी ब्लॉक्ड अकाउंट या अपनी सेविंग्स पे नहीं भरोसा करना पड़ेगा, आप यहाँ पे आके कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो विच इज अगेन अ प्लस. तो मुझे ये सारी काफी एडवांटेज लगती है एज कम्पेयर टू जॉब सीकर वीजा. बाकी देखो, हर चीज की प्रॉज एंड कॉन्स दोनों होती है, बट अगर आप श्योर हो कि आप जर्मनी आके सेटल होना चाहते हो देन दिस इज डेफिनेटली अ गुड अपॉर्चुनिटी.
And let me know in comment section if you have any questions. I will be happy to answer. And that's all for today, guys. Hope you like this video. And if you like it, do not forget to like, share, and subscribe. Bye-bye. Stay happy. Stay blessed.